भारत की तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला ने कुरान करीम का मुतालिया करने के बाद ईमान लाने का फैसला किया है और वो मक्कतुल मुकर्रमा में अपने ईमान लाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब इस्लाम इनके लिए जिंदगी से ज्यादा मकबूल है। 1982 में पैदा होने वाली सबरीमाला जो अब फातिमा बन चुकी हैं, वो पहले सरकारी स्कूल टीचर थी। बाद में उन्होंने अपने पेशे से इस्तीफा देते हुए मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर बन गई थी। इनका कहना है कि इस्लाम के खिलाफ जो नफरत आमेज बात की जाती है और इस्लाम को जिस तरह से बदनाम किया जाता है, इस बात को लेकर उन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से जानने के लिए कुरान करीम का मुतालिया किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम को ही मुकम्मल ज़ाबिता हयात पाया। इसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। इस वक्त सबरीमाला फातिमा मक्कतुल मुकर्रमा में काबे के सामने खड़े होकर अपने ईमान लाने का फैसला कर चुकी हैं। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अशहद अन ला इलाहा इल्लल्ला, अशहद अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्ला। सबरीमाला என்ற நான் ஃபாத்திமா சபரிமாலாவாக ஏக இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு முஹம்மது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஏற்றுக்கொண்டு வகி. தூசரி ஜானி ஃபாத்திமா சபரிமாலா கோ மக்கா இன்தஜாமியா இன்ஹி மெஹமான் ஹாஸ் கா தர்ஜா தியா ஹை ஔர் இன்ஹி கிலாஃப் கஆபா கி தயாரி மே ஷரீக் கியா ஹை. இஸ் தாலுக் ஸே எக் வீடியோ பி வைரல் ஹுவி ஹை, ஜிஸ்மே வோ அப்னி குஷ்நசீபி பர் நம்தீதா திகாயி தே ரஹி ஹை. பியூரோ ரிப்போர்ட், இன்கிலாப் நியூஸ். என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த வருஷம் ஹஜ்ஜுக்கு அப்புறம் இதை மாட்ட போறாங்க. நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு அப்புறம் பாக்குறப்போ என்னுடைய பங்கும் இதுல இருந்துச்சு, நீங்க நினைச்சு சந்தோஷப்படுவீங்க. நிறைய நிறைய நம்ம கிடைக்கும்.